नहीं देखे होंगे 195 देशों के पुराने नोट। पवन गुप्ता रखते हैं पुराने नोट और सिक्कों का शौक। पूर्वी पाकिस्तान से लेकर बर्मा तक की करेंसी है मौजूद। देखिए दुर्लभ करेंसी का टिकटों का खजाना। वैसे तो दुनिया भर में हर किस्म के लोग रहते हैं जिन्हें अनोखी और ऐतिहासिक चीजों को जमा करने का शौक होता है। अगर ये शौक आपको नाम और पहचान दिलाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जी हाँ, ऐसा ही शौक गोरखपुर के सदर निवासी पवन गुप्ता को है। दरअसल पवन गुप्ता को बचपन से ही पुराने नोट और सिक्कों को जमा करने का शौक रहा है। उन्होंने पहली बार 7वीं कक्षा में पुरानी करेंसी और सिक्कों को जमा करना शुरू किया, फिर ये सिलसिला थमा नहीं और इसके बाद पवन गुप्ता का ये शौक बदस्तूर जारी रहा। पवन गुप्ता बताते हैं, एक बार बाबा की डायरी देखते समय उनको आजादी के पहले के कुछ नोट मिले, यहीं से उनको पुराने नोट और सिक्कों को संग्रह करने की प्रेरणा मिली। मैं बहुत छोटा था, क्लास 7th में पढ़ता था और मुझे मेरे दादाजी की एक डायरी मिली। उस डायरी में दो एक नोट और कुछ स्टैम्प्स थे जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मुझे लगा कि इसको मैं संभाल के रखूं और फिर मैं धीरे धीरे कलेक्शन करने लगा। और ये समय एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो ये मेरी हॉबी बन गई और मैं अभी तक मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों को बताता हूँ और लोग मुझे ढूंढ ढूंढ करके अलग अलग देशों के नोट और सिक्के और स्टैम्प। आपको बता दें, पवन गुप्ता के पास पूर्वी पाकिस्तान के कुछ सिक्के भी हैं। इसके साथ ही उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्के भी मौजूद हैं। खाली समय मिलते ही पवन गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस, रेलवे पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जाया करते थे। वहाँ रद्दी कागजों से डाक टिकट निकालते और घर लाकर उसे साफ सुथरा कर अपने संग्रहालय की शोभा बढ़ाते। उन्होंने बताया, मेरे पास 195 से ज्यादा देशों के दुर्लभ करेंसी नोट और कॉइन मौजूद हैं और 95 देशों के दुर्लभ टिकट भी उपलब्ध हैं। लगभग 195 से ज्यादा देशों के नोट करेंसी और सिक्के हैं हमारे पास। और टिकट कितने हैं आपके पास? टिकट लगभग 95 देशों के टिकट हैं हमारे पास। इतना आप अभी तक आपने टिकट और करेंसी को संग्रह किया है, क्या सरकार की तरफ से भी कोई पहल आपसे मांग करें? सरकार की तरफ से तो कोई पहल नहीं, लेकिन हाँ स्टैम्प्स के लिए आपको पता ही होगा कि एक फिलैटली क्लब होता है और उस क्लब का मेरा पूरा परिवार उसका मेंबर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे कई सारे प्रदर्शनियों में मुझे अवार्ड मिला है और गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं और मेरी बच्ची को भी इसमें जो है नेशनल अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, उनके पास बर्मा में चलने वाली करेंसी भी मौजूद है। इन करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ सैनिक ही कर सकते हैं। उनके संग्रह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, नामचीन वैज्ञानिकों, शिक्षा जगत से जुड़े दिग्गजों, उद्योगपतियों, फिल्म जगत, बाल दिवस और लोक कला के चित्र भी शामिल हैं। कई जिलों में पवन इसकी प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं। हालांकि पवन गुप्ता का यह अनोखा शौक देखकर लोग भी अचंभे में पड़ जाते हैं। उन्हें भी एक साथ इतने देशों की अलग अलग करेंसी को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।